सर, समस्या ये है कि इन्होंने जो ट्रायल लिए थे तो ये जम्मू में पहले इन्होंने तो बस नाम के ट्रायल लिए, 3 दिन बुलाया और मतलब कोई प्रोसेस नहीं चला खास। उसके बाद में ये श्रीनगर की टीम आती है तो ये 2 घंटे में ट्रायल कंडक्ट करके चले जाते हैं, जबकि 3 दिन ट्रायल होने चाहिए वो। उसके बाद आप 1 दिन में किसी प्लेयर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि ये लिस्ट पहले से बन के आई थी। तो क्या आपको धोखा दिया गया है? सरासर धोखा दिया गया है सर। अगर JNK ड्यूटी है तो जम्मू के भी बराबर होने चाहिए, कश्मीर के भी बराबर होने चाहिए। अब ये कहते हैं कि बाद में ये हमें बोलते हैं कि जम्मू में टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट प्लेयर थोड़ा ना करवाएंगे, यही लोग करवाएंगे, काउंसिल करवाएगा चाहे फेडरेशन करवाएगा। श्रीनगर से कितने प्लेयर हैं? श्रीनगर से 18 प्लेयर है, जम्मू से टोटल 4 प्लेयर है जो स्क्वाड में है, बाकी स्टैंड बाय में 4 के गोली दे रहे हैं कि हाँ जी ये जम्मू के हमने 8 रखे हुए हैं। 22 की लिस्ट जाती है जिसमें से 18 लड़के कश्मीर के, 4 लड़के जम्मू के, और जम्मू के भी जो लड़के हैं और कश्मीर के कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने लीग नहीं खेली है इस साल, वैसे टूर्नामेंट ही नहीं हुए हैं और ये बोल रहे परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्शन हुई गई है। तो अगर इस साल टूर्नामेंट नहीं हुई है, ना कश्मीर में टूर्नामेंट हुई है ना जम्मू में टूर्नामेंट हुई है, जम्मू में भी एक टूर्नामेंट चल रहा है, कश्मीर में भी एक ही टूर्नामेंट हुआ है, सेकंड पॉजिटिव कश्मीर कप, उसमें भी कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कोई मैच नहीं खेला लेकिन वो टीम के अंदर है। तो हमें यहाँ पर ये इशू किया गया है कि यहाँ पर कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है, जम्मू में कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जम्मू के लड़के कम हैं। तो अगर जम्मू में टूर्नामेंट नहीं है, कश्मीर में भी कौन सा टूर्नामेंट हुआ है एक साल से? तो अगर कश्मीर में भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है तो फिर ये 18 लड़के कश्मीर के क्यों हैं? 18 कश्मीर के हैं, 4 जम्मू के हैं, तो ये कौन सा जस्टिस है? ये JNK यूटी है ना कि कश्मीर यूटी है। अब ये लोग हमें थ्रेट देंगे, कुछ करेंगे कि हम आपका करियर ख़त्म कर देंगे, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अब जस्टिस की बात है तो जम्मू को भी जस्टिस मिलना चाहिए ना। ये कश्मीर नहीं है सिर्फ, ये JNK है, तो JNK UTS में जम्मू वालों को भी पूरा राइट है। अगर 22 की टीम जा रही है तो 11 जम्मू के जाने चाहिए, 11 कश्मीर के जाने चाहिए। और ये सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या है? इनका सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि 3 दिन फाइनल सिलेक्शन होगी, तो इन्होंने 1 दिन पहले इन्होंने एक तो 4 ऑर्डर निकाले हैं, एक दिन में इन्होंने सिलेक्शन की है फाइनल सिलेक्शन, जबकि 3 दिन में इनका खुद का इनका प्रोसेस है, 1 दिन में इन्होंने सिलेक्शन की है। हाँ जी, क्या डिमांड रहेगी? डिमांड यही है कि जितना प्रायोरिटी कश्मीर को मिलती है इतनी जम्मू के प्लेयर्स को भी मिलनी चाहिए। एक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।